नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है हाउ टू प्लान फाइनेंशियली आफ्टर एज ऑफ 18। 18 साल आपका पूरा हुआ है, वीडियो वीडियो देख के तैयार हैं। और 18 साल अगर अभी नहीं हुआ है या 18 साल हो गया है तो कैसे प्लान करें? तो सबसे पहले तीन चार पॉइंट देख लीजिए। पहला, फ्रीडम होना चाहिए कि आपको जब मर्जी हो पैसा इन्वेस्ट करना है, कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, किसी में ना पैसा नहीं है तो नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कि देना पड़ेगा, कि देना पड़ेगा वर्ड जहां आ जाए उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि 5 साल बाद पैसा निकालना पड़ेगा, 10 साल देना पड़ेगा, 15 साल के बाद निकालना पड़ेगा, 5 साल रुकना पड़ेगा। ये तामझाम नौटंकी नहीं चाहिए। जब मर्जी हो हम पैसा निकाल लें ऐसा चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। और तीसरा है इंस्टेंट लिक्विडिटी, जब मर्जी हो पैसा निकाल लें। जब निकालने गए तो कागज यहां जा रहा है, फाइल वहां नाच रहा है, ये सब नहीं चाहिए कि आएगा 1 महीना के बाद साइन होके तब करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स लाइए ये लाइए, कुछ नहीं। ये पेपरबाजी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन कर सकें या ब्रांच में रिक्वेस्ट दिए तो 5-6 दिन में पैसा अकाउंट में खट से आ जाए, इस ऐसा लिक्विडिटी चाहिए। चौथा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। हमने जो पैसा झोंका वो अलग अलग जगह तो पैसा जा रहा है ना, डाइवर्सिफिकेशन में है ना। ऐसा नहीं कि एक एक जगह पैसा पार्क है और वहां भूचाल आया, कोई बम फोड़ दिया तो सारा पैसा चला गया। डाइवर्सिफिकेशन, सैकड़ों जगह वो पैसा हमारा बिखरा होना चाहिए। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, मतलब ऐसा नहीं कि नया नया आया, क्वाइन क्वाइन चल रहा है, 2 साल में पैसा डबल, 4 साल में पैसा डबल, कोई रिकॉर्ड नहीं है। आज रात आया और 10 दिन 20 दिन में समेट समेट के भाग गया। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, 20 साल 30 साल 40 साल का रिकॉर्ड है, बैठा है, कहीं भागा डूबा हराया नहीं है, ऐसा वाला परफॉर्मेंस रिकॉर्ड चाहिए। और इंड में देखना है बेस, बेस क्या है इसका, पैसा जो लगा रहे हैं वो कहाँ इंड में जा रहा है। ऐसा तो हवाबाजी नहीं है, दो दो आदमी को जोड़ते रहो जोड़ते रहो। एक मुझे कहानी याद आता है सिटी लिमोजिन का, दिल्ली नेहरू प्लेस में था। वो बोलते हैं कार और बाइक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप 1 लाख दीजिए, 6-6 हज़ार रुपये पर मंथ मिलेगा। हमें भी कोई पकड़ के ले गया, दो में से एक मुर्गा हम उनको मिले, लेके गया। मैं क्वेश्चन पूछा हेड ऑफिस में जाके कि ये जो पैसा हमने 1 लाख रुपया दिया इसको आप क्या कीजिएगा? तो आपका कार खरीदेंगे। तो क्या कार, क्या मेरे नाम पे रजिस्ट्री होगा? ये लोग करते क्या है ना, ऐसा स्कैम आगे भी चलता रहेगा। कुछ 10 20 50 खरीद के रख लेंगे और आपको दिखा देंगे पेपरबाजी में एड में सब कुछ में, वो चल रहा है गाड़ी, बाकी पैसा सबका आता जा रहा है आता जा रहा है, वो अंदर डकारता जा रहा है। जब 10 हज़ार 20 हज़ार 40 हज़ार करोड़ का हो जाएगा संपत्ति, उसके बाद बोलेंगे कि ये स्कैम था और सारा माल अंदर। तो हमने इनको पूछा कि क्या करोगे इसका? तो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, 10 साल के बाद बिल्डिंग बनेगा, उसके बाद उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेगा। बोले वो तो खुलेगा 10 साल के बाद ना, प्रॉफिट तब होगा ना। अभी आप 1 लाख ले रहे हो, यहां से 6-6 हज़ार रुपये अभी से प्रॉफिट देना शुरू कर दिए। अगर आप पैसा ले लेते फिर बोलते 5 साल 10 साल के बाद आपको पैसा रिटर्न करेंगे, हम बढ़ेंगे ग्रोथ करेंगे तब आपको ग्रोथ देंगे, तो बात समझ में आता है। आप अभी पैसा ले रहे हैं और अभी दे रहे हैं, इसका मतलब सिंपल है कि किसी दूसरों का पैसा, अब दो मुर्गा फिर हम फंसाएंगे, उनका पैसा हमको ट्रांसफर होता जाएगा। अब इस तरह का स्कैम ना सदियों से चलता आया है, चलता रहेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ सब कुछ सरडॉन के हाथ में है, मोगेम्बो के हाथ में है। यहाँ पे मुझे किशोर कुमार का एक गाना बड़ा अच्छा याद आता है, मंझधार में नैया डूबे तो मांझी पार लगाए, मांझी जो नाव डुबाए उसे कौन बचाए। बचाने वाला ही मारने वाला बन जाएगा ना, तो कोई नहीं बचा पाएगा। खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन रखिए तो बच पाएंगे। अब यहाँ पे 18 साल से कम है तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है? पहला, कहीं कुछ जाइए मत, तो 4 साल एज में कम पड़ रहा है 18 होने में, पेरेंट्स के नाम पे पैसा जमा कर दीजिए, जब 18 होगा अपने नाम पे ट्रांसफर कर लीजिए, कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन, अकाउंट नंबर ज्वाइंट खुलवा लीजिए, हमने खुलवाया था अपने बच्चे के लिए, ऐसा होता है अकाउंट, इस तरह से आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। हमारी बेटी का नाम संस्कृति है, अंडर गार्जियनशिप राजू चौधरी, ये अकाउंट खुल गया, सब जगह खुल जाता है, आपका ही पैन लगेगा, आपका ही आधार लगेगा, सब कुछ आपका लगेगा, बच्चे का नाम आ जाएगा। ये अकाउंट जैसे ही खुल गया उसके बाद ऐप दिया हूं लिंक में है, वहां जाके स्मॉल कैप में 500-500 रुपया जो होता है ना पॉकेट मनी, 500-500 रुपया से शुरू कर दीजिए। हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया बच्चे के नाम पे, कुछ पैसा इन्वेस्ट किए हैं वो आपको दिखाते हैं कि हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था और कितना है बच्चे के नाम पे। संस्कृति मेरी बेटी का नाम और शुभ यहां पे होगा बेटे का नाम। यहां पे देखते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, 5,000 रुपया लगाया था वन टाइम, 11,414 रुपया है। कितने परसेंट का रिटर्न यहां दिखा रहे हैं? CAGR 15% का रिटर्न।
6 साल हुआ है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी 95,000 लगाया था, 2,14,000 रुपया है। कितने परसेंट का रिटर्न दिखा रहे हैं यहाँ पे, 15%। ये 125% एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब क्या होता है, ये कंफ्यूजन होता है। 15% मतलब जैसे आप बैंक में पैसा जमा करने गए, बोला 10% ब्याज दूंगा, तो एक साल में 10%, 1 लाख का 10,000, 10,000 मिल गया। लेकिन 2 साल जमा किया तो 10,000, 20,000 मिलेगा, तो 20,000 मिला ना 2 साल में, तो 20% बोल देंगे एब्सोल्यूट रिटर्न। अगर 3 साल रखा तो 30,000 मिल जाएगा, तो 30% को एब्सोल्यूट रिटर्न बोल देंगे। यहाँ पे टाइम नहीं होता है, जबकि यह है एनुअल रिटर्न, सालाना। और ये सब मिला के ताम झाम जोड़ करके एक बार बता दो एब्सोल्यूट रिटर्न। 5 साल रखा तो 50,000 मिल गया, तो बोल लेंगे 50%। इस तरह से करके मोटा मोटी है। सुंदरम स्मॉल कैप में झोंका था 1,15,000, अभी है 1,80,000, लगभग साल भर हुआ है। कितने परसेंट का रिटर्न, 38% का रिटर्न। जब जब जैसे जैसे समझ में आया, सारे पैसे को स्विच करके स्मॉल कैप में झोंक दिया। सेम पोर्टफोलियो बेटे के नाम पे भी एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, यहां भी हमने डाला है वही 1,00,000 रुपया, 2,27,000 सब मिला के अगर देखा जाए लास्ट में, 5,36,000 जमा किए हैं दोनों के नाम पे बराबर बराबर, 10,52,000 रुपया है। कितने परसेंट का सीएजीआर, 19.59। अगर मैं इस पैसे को 10,52,000 जो आज है 15 साल तक छोड़ दूं, छोड़ेंगे ही, आपने प्लॉट फ्लैट लिया है क्या सोचा है, ऊपर ले जाएंगे, मैंने यही ले लिया, मैं भी ऊपर नहीं ले जाऊंगा, तो बच्चे के नाम पे है। ये 15 साल के बाद 15% का ही रिटर्न मिले तो 85 लाख रुपए बन जाता है। यदि 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 19% का रिटर्न मिले जो पहले मिला था, सबमिट करेंगे तो खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन इस तरह से होता है कि 10,52,000 का वैल्यू 1,42,00,000 रुपए बनता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 12% के रेट से देख लेंगे, 12% के रेट से ये पैसा बन जाता है 57,58,000 रुपया। लेकिन यदि सेफ सेफर सेफेस्ट जगह करते और मचमच फंड के बारे में नहीं जानते, 7% के रेट से पैसा बनता 10,52,000 का 29 लाख रुपया। तो ये ताम झाम सारा कैलकुलेशन अपने से करना है, तब जाके बात समझ में आएगा। तो इस तरह से करके ये पैसा 15 साल के बाद इतना हो जाएगा कि एक अच्छा खासा काम वो अपने लिए कर सकते हैं। अब कुछ हेल्थ का बात करते हैं। हेल्थ पे आज टॉपिक है, ये जोड़ लीजिए क्या होता है, वर्ड बनता है, उसके बाद ये एक भयानक सा प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, कुछ लिस्ट है, इसका लिस्ट है, बीमारी का लिस्ट है। अगर तो ये बीमारी हुआ, वो कौन सा लिस्ट है, अगर तो ऐसा हुआ तो शरीर ना एंटीबॉडी बनाता है। वो लिस्ट में भी दिखा देता हूं कौन सा है, वो लिस्ट ये है, डायरिया हो गया, नौजिया हो गया, स्किन डिसऑर्डर हो गया, हेडेक हो गया, लिवर डैमेज हो गया। इतना सारा नाम मुझे बोलने नहीं आता है। हम जानते हैं जो नेचुरोपैथी पढ़ाई पढ़ा है हमने, पूरा शरीर 6-7 तरीका से बीमार पड़ता है। अब ट्यूमर है, वो कहीं भी हो जाए ट्यूमर, हमारे पास एक ही इलाज है करने के लिए, खोपड़ी में हो, हृदय में हो, कहीं भी हो, एक ही तरह होता है, पर अंग्रेजी में नाम अलग अलग होगा। इतने तरह का अगर प्रॉब्लम होगा शरीर में, इतने सारा प्रॉब्लम होगा, तो शरीर एक सैनिक का निर्माण करेगा लड़ने के लिए, इस बीमारी को मारने के लिए शरीर एक एंटीबॉडीज बनाएगा। हमारे वैज्ञानिक एक ऐसा किट बनाए कि इस एंटीबॉडीज को, हमारे सैनिक को जो इससे लड़ते, उसका पैरामीटर इसमें डाल दिया। अब बोला जब आ जाए वो वाला सैनिक, पॉजिटिव दिखा दो, ना आए तो निगेटिव दिखा दो। तो जब जब ये बीमारी होगा, लिस्ट होगा, तब तब शरीर एक सैनिक, प्रतिरोध क्षमता बनाने वाला एक सैनिक को भेजेगा। हमारे वैज्ञानिक खोपड़ी लगा करके वो एक ऐसा किट बना लिए कि वो एंटीबॉडीज को पढ़ ले, पढ़ने के बाद दिखा देंगे पॉजिटिव, और नाम तो आप कुछ भी दे दीजिए डिस्प्ले पे, प्रिंट आउट निकाल करके, ABCD, सी मतलब यही भूतकाल वाला सी, और पीछे जो पढ़ाया दो वर्ड। इस तरह से ताम झाम करके जितने लोग फंसे फंसाए हैं, ये अमित कुमार जी हैं और ये नंबर है, इस पे कीजिएगा तो क्या होगा पता है। मैं क्या हूं, राजू चौधरी एक बूढ़ा कबूतर है, और एक गाना गाते थे ना बचपन में, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल में फंसना नहीं। ये अमित जी क्या है पता है, अमित जी ये हैं, ये देख रहे हैं, ये कबूतर है, बूढ़ा कबूतर कहते हैं हमारा एक दोस्त है चूहा, वहां पे जाओ काट देंगे, वो अमित जी वो चूहा है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी जाल में फंसे हैं, फंसाए गए हैं, वो जाल काट देंगे इस नंबर से। नाम मत बताइए बीमारी का, सीधा आइए और जो तो 3 दिन बताएंगे वो कर लीजिए, वो ठीक हो जाएंगे, हो ही जाते हैं ठीक, लेकिन वो करना पड़ेगा।
आगे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स इस तरह से है कि सर एज मेरा 49 है, प्रॉपर्टी सेल करके 40 लाख रुपया आया है, कंफ्यूज हूं कि इन्वेस्ट करूं प्रॉपर्टी में कि म्यूचुअल फंड में एचडब्ल्यूपी कर लूं। यदि आपके पास पहले से प्रॉपर्टी है, 3-4-5 है, अगर एक भी नहीं है, जो एक था वो भी बेच दिया, तो खरीद लीजिए प्रॉपर्टी। पहले से है तो प्रॉपर्टी में ना जाके आप यदि एचडब्ल्यूपी में जाते हैं, वो बोलता हूं बैंक वाला एचडब्ल्यूपी बैलेंस फंड, यहां पे 40 लाख रुपया लिखा है और 24,000 रुपया पर मंथ, मैं बोलता हूं 10 लाख में 6,000, तो 40 लाख में 6×4=24, 40 लाख लगाया, 24,000 रुपया पर मंथ लिया, पिछले 10 साल में विड्रॉ कर लिया 31,44,000 और आज बैलेंस बचा हुआ है 1,48,00,000। ये SBI का परफॉर्मेंस है। ICICI में बैलेंस बचा हुआ है 1,79,00,000, 17% का रिटर्न। HDFC हाइब्रिड इक्विटी में 31,44,000 लिया 24,000 पर मंथ की दर से और बचा है 1,43, 15% की रेट से। इन तीनों में बराबर बराबर, बैंक वाला बोलता हूं मैं हमेशा 3 में या 4 में कैनरा का आएगा उसमें आप डाल के बराबर बराबर पैसा ले सकते हैं। यदि आपके पास पहले से बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है तो एक ऑप्शन स्टैंड बाय में आप मच फंड भी बैलेंस फंड में जा सकते हैं। अगले कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं कि सर किसी फंड का NAV कोई मायने रखता है? ज्यादा मायने नहीं रखता। यदि आप सोचेंगे ये महंगा है ये सस्ता है तो ये समझना सही नहीं है। जो सबसे ज्यादा महंगा होगा, सबसे ज्यादा होगा, वही ज्यादा अच्छा है। परफॉर्मेंस मायने रखता है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो NAV का रेट बढ़ा होगा, अगर परफॉर्मेंस खराब है तो NAV का रेट कम होगा। तो NAV का मायने इतना ही रखता है। जो सबसे ज्यादा अच्छा, कुछ नहीं समझ में आता ये जान जाइए, जिसका NAV सबसे ज्यादा वो सबसे अच्छा है। निपोन इंडिया ग्रोथ फंड 2700 रुपया NAV चल रहा है, उसके सामने 10 रुपये का NAV है। 10 रुपये का NAV नहीं जाना है, 2700 रुपये का NAV जाना है। NAV वाला पहले भी वीडियो बनाया, उसको देखिए, सर्च कीजिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डिविडेंड ऑप्शन म्यूचुअल फंड में ज़्यादा अच्छा है या फिर SWP ऑप्शन? SWP ऑप्शन लेना पड़ेगा आपको अगर जीवन यापन करने के लिए पैसा चाहिए। SWP ऑप्शन में हर एक तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, जो भी सिलेक्ट करेंगे, रेगुलर इनकम आता रहेगा। डिविडेंड जब म्यूचुअल फंड कंपनी डिसाइड करेगा AMC, तब आएगा। कभी कभी साल 2 साल नहीं भी आया है, तो आपको तो रेगुलर इनकम चाहिए, तो SWP ही ऑप्शन सबसे अच्छा है। बेस्ट स्मॉल कैप के बारे में बताइए। बेस्ट स्मॉल कैप अगर जानना है तो कुछ नहीं, StarSIP.in में जाइए और इसको जैसे ही टच करेंगे बक्स से खुल जाएगा एक साइट, उसमें डिफॉल्ट में स्मॉल कैप सेलेक्टेड है। डिफॉल्ट में अगर आप, ये डिफॉल्ट में है और इसको अगर टच करें तो SIP हो गया। SIP में कहते हैं ये पेज कहता है इसको सेलेक्ट कर लीजिए 12 साल। 12 साल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि SBI है, निपोन है, वो 12 साल के पहले इतना ज़्यादा पुराना नहीं है। 12 साल में सब आ गए। 5,000 रुपये पर मंथ स्मॉल कैप में किया, नए स्टूडेंट के लिए भी बता रहा हूँ, 18 से कम है या 18 से ज़्यादा एज है, कहाँ पैसा झोंकना चाहिए? 5,000 रुपये पर मंथ है, 1,000 रुपये सब में कर दीजिए। यहाँ एक रिकॉर्ड है कि निपोन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000 रुपये पर मंथ किया 2011 से अब तक, 7,20,000 रुपया झोंक दिया, 37,33,000 बनाए, 25% का सालाना रिटर्न है। SBI स्मॉल कैप में 5,000 रुपये जमा किया, 21,000 करोड़ का AUM है, 7,20,000 जमा हुआ है, 32,42,000 बना है, 23% का रिटर्न है। DSP स्मॉल कैप है, क्वांट स्मॉल कैप है, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप है, कोटक है, HDFC। आपको शुरुआत बैंक वाला म्यूचुअल फंड से करना है। SBI, ICICI, HDFC, चौथा निपोन भी ले सकते हैं, कोटक भी ले सकते हैं, फ्रैंकलिन भी ले सकते हैं, बराबर बराबर सब में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।